नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है 75 जिले की 75 बड़ी खबरों का। स्वामी जितेंद्रानंद सरस्वती का बड़ा बयान, मथुरा में भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि पर भी भव्य मंदिर बनने का रास्ता खुलेगा। प्रेमिका के साथ बर्थडे मनाने गए युवक की मौत, 3-स्टार होटल में कमरा बुक किया, उसी की खिड़की से गिरा हिरासत में गर्लफ्रेंड। दिव्या मर्डर केस में गाजियाबाद पहुंची शिमला पुलिस, बॉयफ्रेंड के चाचा जीजा ने भी 7 महीने तक छिपाई वारदात, तीनों को ले गई पुलिस हिरासत में। माघ मेले में एंट्री के पहले होगी कोरोना जांच, प्रयागराज में जनवरी में शुरू होगा माघ मेला, डीपीसीएम केशव ने की तैयारियों की पर समीक्षा बैठक। वाराणसी में युवक और युवती ने जान दी, शवदाह करने के बाद परिजनों ने दी पुलिस को सूचना, प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है प्रकरण। पहाड़ों की बर्फबारी से मैदानी इलाकों का गिरा पारा, सहारनपुर में हफ्ते भर में मिनिमम टेम्परेचर गिरा। विधायक इरफान के मुकदमे फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलेंगे, सजा दिलाने के लिए पुलिस करेगी पैरवी, आजीवन कारावास तक की हो सकती है सजा। ₹35,000 करोड़ के एमयू पर विपक्ष के सवाल, सरकार ने जिस ऑस्ट्रियन यूनिवर्सिटी से करार किया वहां एक भी छात्र नहीं पढ़ता। लूट के लिए बुजुर्ग दंपति का मर्डर, गाजियाबाद में 1 महीने बाद हुआ खुलासा, 12 साल के किशोर ने बनाई थी पूरी प्लानिंग। महिलाओं में मारपीट का वीडियो वायरल, मुरादाबाद में प्लॉट पर कब्जे को लेकर भिड़ी, एक दूसरे को बाल पकड़कर घसीटा। लखनऊ में नाले में गिरी कार, 4 दोस्तों की मौत, दरवाजा न खुलने से बाहर नहीं निकल सके, एक ही हालत गंभीर। औरैया में सरेआम युवक को पीटा, बाइक छूने पर की मारपीट, 8 घंटे तक बरसाते रहे लात घूसे, वीडियो के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू। आजमगढ़ में किसान नेता राजीव बोले, उत्पीड़न कर रही है सरकार, मुख्यमंत्री के निर्देश पर कुचला जा रहा है किसान आंदोलन। मिर्जापुर में अध्यापक ने युवक को जड़ा थप्पड़, पढ़ाई के समय मोबाइल पर बात करने का वीडियो बनाने पर हुए नाराज, थाने में सुलह। गाजीपुर में स्कूलों में हुआ क्रिसमस का सेलिब्रेशन, आकर्षण का केंद्र रही नन्ही मुन्नू की सेंटा क्लास ड्रेस। दो कांस्टेबल चला रहे थे अपहरण वसूली गैंग, महिलाएं और लड़कों को फंसाकर होटल ले जाती थी, सिपाही छापा मारकर करते थे वसूली। किचावा में नीलगाय का 60 किलो मांस बरामद, ठंड में शिकार हुए सक्रिय, प्रतिबंधित पशु का शिकार करने वाला एक गिरफ्तार। बाराबंकी में मीका सिंह के गानों पर थिरके डॉक्टर, 4 दिवसीय चिकित्सक सम्मेलन में डॉक्टरों ने लगाए ठुमके, देश भर से पहुंचे थे चिकित्सक। मिल्कीपुर में डिप्रेशन में आकर युवक ने की आत्महत्या, पेड़ से लटका मिला शव, 1 साल पहले प्रेमिका ने छोड़ा, परिवार कलह से था परेशान। पहली बार प्रयागराज में होगा आईएमए का राष्ट्रीय सम्मेलन, 3 दिन में शामिल होंगे देश भर के 3,000 डॉक्टर, विभिन्न बीमारियों के इलाज पर भी मंथन।
शामली में कब्रिस्तान की जमीन को कराया कब्जा मुक्त। कई सालों से कॉलेजों ने कर रखा था कब्जा, पुलिस भी मौके पर रही मौजूद। फतेहपुर में अश्लील वीडियो बनाकर मकान मालिक की बेटी से छेड़खानी, अपहरण का प्रयास किया तो थाने में की शिकायत, गिरफ्तार हुआ। कानपुर में युवक मिला कोरोना संक्रमित, जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया सैंपल, शहर की पैथोलॉजी आरटीपीसीआर जांच तेज। तमसा नदी में कूदकर युवती ने की आत्महत्या, अम्बेडकर नगर में पुल से लगाई छलांग, लोगों ने मचाया शोर, बुलाई पुलिस। जालौन में कच्ची दीवार गिरने से ग्रामीण की दबकर मौत, आवाज सुन परिजनों ने मलबा हटाकर निकाला, अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित किया। अलीगढ़ में सीएनजी लीक होने से कार में लगी भीषण आग, आग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल, आग में कार जलकर हुई खाक। बुलंदशहर में दलित युवक पर धारदार हथियार से किया हमला, दलित युवक ने दबंगों युवक के खिलाफ बीवी नगर थाने में दी तहरीर। चंदौली में युवक का बाइक पर स्टंटबाजी करते वीडियो वायरल, बाइक चलाकर जानलेवा स्टंट करते दिख रहा है युवक। बुलंदशहर में तमंचा बनाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, वायरल वीडियो में जिले का नाम बुलंदशहर बता रहा है आरोपी। गोंडा में कोटेदार शकुंतला सिंह एवं लड़के दिनेश सिंह पर लगा राशन कम देने का आरोप, पीड़ित राशन कार्ड धारक समाधान दिवस में की शिकायत। औरैया में दबंगों द्वारा चारागाह की जमीन पर कब्जा मामले को लेकर उच्च अधिकारियों ने लिया संज्ञान, में संज्ञान में लेते हुए 5 सदस्य की टीम गठित की गई। बांदा में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने दीप जलाकर मनाया स्वर्ण जयंती, कार्यक्रम में व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार गुप्ता रहे मौजूद। देवरिया उमा नगर पश्चिमी में रोड नहीं बनने से नाराज जनता, नाराज जनता ने वोट का किया बहिष्कार। गोंडा में एक बार फिर कोरोना ने पसारा पांव, जिले में पाए गए कोरोना पॉजिटिव 3 मरीज, तीनों मरीजों को रखा गया होम आइसोलेशन में। मैनपुरी में सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान, बोले चीन से हमेशा देश को रहेगा खतरा। गोंडा के फुलवारी पब्लिक स्कूल में मनाया गया वार्षिकोत्सव, छोटे छोटे बच्चों ने दिखाई प्रतिभा, सीडीओ ने कहा यह वार्षिकोत्सव ही नहीं गर्व का विषय है। मेरठ में नगर निगम का राजस्व इंस्पेक्टर नवल राघव रिश्वत लेने रंगे हाथ गिरफ्तार, एंटी करप्शन टीम ने किया गिरफ्तार। प्रयागराज में सपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के द्वारा निकाली गई संकल्प पैदल यात्रा, वार्ड प्रत्याशी नीलम चौरसिया व कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। संभल में जमीन की पूरी पैमाइश को लेकर ग्राम प्रधान पति पर लगा रिश्वत मांगने का आरोप, ग्रामीणों ने प्रधान पर लगाए गंभीर आरोप। सुल्तानपुर में धूमधाम के साथ मनाया गया क्रिसमस का पर्व, ईसाई धर्म के लोगों ने गिरजाघरों में की विशेष प्रार्थना। अमेठी के सांसद स्मृति ईरानी पहुंची गौरीगंज भाजपा कार्यालय, अटल जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर किया नमन। अयोध्या पहुंची नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री एके शर्मा, अटल जी की जयंती पर भाजपा कार्यालय पर कार्यक्रम में हुए शामिल।
गाजियाबाद में 6 साल के बच्चे को ट्रक ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे में घायल बच्चा अस्पताल में भर्ती, आरोपी ड्राइवर को पुलिस ने किया गिरफ्तार। कानपुर में चकेरी थाना अंतर्गत ज्वेलर से हुई लूट, दो बाइक सवार ने लूट की घटना को दिया अंजाम, पुलिस लूट की घटना की जांच में जुटी। गाजियाबाद में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम मन की बात में मौजूद हैं जेपी नड्डा जी और अध्यक्ष भूपेन चौधरी, सेमिनार हॉल में सुने मन की बात। कानपुर में क्रिसमस की पूर्व संध्या पुलिस ने किया पैदल गश्त, गश्त के दौरान सार्वजनिक स्थानों पर कार व बैट शराब पी रहे लोगों को सबक भी सिखाया। कासगंज में प्रधानाध्यापक और शिक्षा मित्र में जमकर मारपीट, विद्यालय में दूध वितरित को लेकर आपस में हुई मारपीट। लखनऊ में अटल जी की जयंती पर सीएम योगी का उपहार, शुरू हो रही है अकासा एयर की सेवाएं, लखनऊ से मुंबई बेंगलुरु के लिए नई हवाई सेवाएं। मेरठ में दो सगे भाइयों की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, घर के कमरे में पड़ा मिला दोनों का शव, दोनों भाइयों की मौत से परिवार में मचा हड़कंप। पीयूष मोड़िया जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर लखनऊ ने जारी किया एडवाइजरी, क्रिसमस और नववर्ष को लेकर जारी की लखनऊ में एडवाइजरी। मेरठ में सपा विधायक अतुल प्रधान की बेटी की साइकिल हुई चोरी, बाजार से सामान लेने गया था सपा विधायक का बेटा, पुलिस विभाग में मचा हड़कंप। कन्नौज पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम ने मृतक के परिवार को दी 10 लाख की चेक। प्रयागराज में प्रेमी युगल ने ट्रेन के सामने कूद कर की आत्महत्या, प्रेमी युगल की मौत से इलाके में मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। श्रावस्ती में कपड़े की दुकान में लगी भीषण आग, आगजनी में लाखों का रुपया कपड़ा जलकर खाक, आग लगने के कारणों का नहीं चल सका पता। उन्नाव में पंचतत्व में विलीन शहीद पार्थिव का शरीर, शहीद के पिता मासूम बेटे ने दी मुखाग्नि, राजकीय सम्मान के साथ किया गया शहीद का अंतिम संस्कार। श्रावस्ती में विक्रेताओं के गोदामों में पुलिस ने की छापेमारी, दो व्यापारियों पर कॉपीराइट एक्ट 63-65 के तहत मुकदमा दर्ज। औरैया में ब्लैकमेल करने को लेकर लड़की ने की आत्महत्या, परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया, आरोपी को हिरासत में ले लिया। नए साल से पहले ब्रज में आने लगे श्रद्धालु, 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक हॉस्टल गेस्ट हाउस फुल कोविड नियमों का होगा पालन। वाराणसी में आभूषण कारोबारियों का मौन प्रदर्शन, चोलापुर थाने के सामने इकट्ठा हुए, बोले आपराधी घटनाएं खोलो या कुर्सी छोड़ो। अयोध्या में पशु तस्कर की 56 लाख की संपत्ति, कुर्क गोवंश की हत्या और गोमांस से बेचकर जुटाया था अवैध संपत्ति। महाराजगंज में पूर्व कानूनगो समेत 5 पर मुकदमा, जिंदा व्यक्ति को मृत दिखाकर जमीन हड़पने का मामला, कोर्ट के आदेश पर कार्यवाही। सिद्धार्थनगर में नहर में पलटी बस, 20 से अधिक यात्री घायल, बासी से गोरखपुर जा रही थी, रेस्क्यू जारी। इटवा में फंदे से लटका मिला रोजगार सेवक का शव, मृतक के बड़े भाई भाभी और 2 भतीजों के खिलाफ हत्या का मुकदमा। शादी के 11 दिन बाद प्रेमिका ने प्रेमी संग किया सुसाइड, दोनों ने खाया एक साथ जहर, फिर अपने अपने घर चले गए।
प्रयागराज में निकली डॉक्टरों की बारात, मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज के छात्र सम्मेलन में पहुंचे देश विदेश के डॉक्टर। बिजनौर में बीजेपी ने मनाया सुशासन दिवस, पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी को दी श्रद्धांजलि, मोदी की सुनी मन की बात। मुरादाबाद में फीस बढ़ोतरी के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन, चीफ प्रॉक्टर दफ्तर में धरने पर बैठे स्टूडेंट, कॉलेज पर मनमानी का आरोप। स्क्रैप कारोबारी से 45 लाख लूटने में चार अरेस्ट, पूर्व पार्टनर में बनाई प्लानिंग, दिल्ली से पीछा करके गाजियाबाद पहुंचकर की थी लूट। धूप खिलते गेहूं के खेत में नजर आया बाघ, पीलीभीत में वीडियो सामने आने के बाद निगरानी में जुटी वन विभाग की टीम। हरदोई में राज्य मंत्री ने स्कूल में सेकी रोटियां, विद्यालय का निरीक्षण करने पहुंची थी, बच्चों से बात कर जाना हल। लखीमपुर खीरी में अधिकारियों ने किया जेल का निरीक्षण, जिला जज और डीएम एसपी ने बंदियों का जाना हाल, सुविधाओं की दी जानकारी। आजमगढ़ में अग्रसेन चौराहे पर मनाया गया भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती, लोगों ने प्रधानमंत्री की मन की बात सुनी। औरैया में ब्लॉक गेट के सामने कबाड़ी की दुकान में लगी भीषण आग, सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। कानपुर में गुजैनी थाना क्षेत्र के बनपुरा रोड पांडव नदी युवक का शव मिलने से मचा हड़कंप, परिजनों ने हत्या का शव कर फेंके जाने की आशंका जताई। एटा में कोरोना के अलर्ट का नहीं कोई असर, कथित कोरोना वार्ड में ताला बंद मिला, पुरानी कोरोना वार्ड भी स्लिप लगी। आज के लिए 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में बस इतना ही, देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।